जहां एक ओर देश में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वहीं कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां उनके लिए जीवन नरक बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच और रतलाम इलाकों में बांछड़ा समुदाय में जिस्मकृषि को मान्यता मिली हुई है। यहाँ माँ बाप और परिवार के सदस्य ही बेटी के जिस्म का सौदा करते हैं। समुदाय की लड़कियाँ 200 वर्ष से इस घिनौने धंधे से अपने परिवार का पेट पाल रही हैं। बांछड़ा समुदाय के गांव यह जिस्मकृषि का धंधा किया जाता है। जानकारी के अनुसार यहाँ करीब 70 गांव वैसे हैं जिसमें 200 से ज्यादा जिस्मकृषि की मंडियाँ चलती हैं। माँ बाप को लड़कियों के इस काम से कोई एतराज नहीं होता, क्योंकि उनका परिवार ही इस घिनौने काम पर चलता है। जैसे ही शाम होती है, ये लोग सड़क किनारे बैठकर लड़कियों का सौदा करने के लिए इंतजार करने लगते हैं। परिवार के मुखिया माँ बाप ही ग्राहक खोजते हैं, लड़की के रंग रूप और उम्र के हिसाब से कीमत तय करते हैं। अगर बोली लगाने वाले एक से ज्यादा होते हैं तो शादी उसी के साथ की जाती है जो ज्यादा पैसा देता है। जानकारी के मुताबिक बांछड़ा समुदाय के ज्यादातर लड़के कुंवारे ही रह जाते हैं, जिसकी वजह है लड़की से शादी करने के लिए 15 लाख रुपए का दहेज।